हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कुछ डेली यूज सेंटेंसेस। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं दोस्तों जिन्हें ऑन द स्पॉट ट्रांसलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप बार बार सुन करके उसे याद कर सकते हैं। इससे पहले मैंने 4 वीडियोज ऑलरेडी बनाए हैं, ये 5वां वीडियो है। आइए शुरू करते हैं गाइस। गाइस, जैसे अगर ऐसा बोलना हो कि मेरे कान मत भरो, या वो मेरे कान भर रहा है, या वो मेरे कान भरना चाहता है। कान भरना कई बार हम यूज करते हैं हिंदी बोलते समय, तो इसे अगर इसी सिचुएशन को अंग्रेजी में बोलना हो तो अंग्रेज कैसे यूज करते होंगे वो देखते हैं गाइस। तो मेरे कान मत भरो अंग्रेजों के हिसाब से होगा कि डोंट पॉइजन माई ईयर्स, डोंट पॉइजन माई ईयर्स। अब पॉइजन का मतलब तो जहर होता है, तो उस तरीके से आप सोचिए कि हिंदी में अगर है कि मेरे कान मत भरो, तो अंग्रेजों का जो स्टाइल होगा वो इस तरह से होगा कि डोंट पॉइजन माई ईयर्स, यानी कि आप वही वाली बात है कि जहर घोल रहे हो। तो इस तरीके से आप फीलिंग को समझिए। अगर बोलना है कि वह मेरे कान भर रहा है तो ही इज पॉइजनिंग माई ईयर्स। मैं तुम्हारे कान नहीं भर रहा हूं, आई एम नॉट पॉइजनिंग योर ईयर्स। उसको बोलो कि मेरे कान ना भरे, आस्क हिम या हर not to poison my ears। So, इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार हिंदी में हम कहते हैं यार मेरे कान मत भरो, या मेरे अच्छा तुम मेरे कान भरने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसे भी कह सकते हो यू आर ट्राइंग टू पॉइजन माई ईयर्स। तो इसे आप बिल्कुल याद कर लीजिए दोस्तों, पॉइजन वंस ईयर्स। वंस का मतलब माई, योर, हिज, हर, आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि अगर बोलना है कि मेरा जोश ठंडा मत करो यार, यानी कि आप कुछ करना चाहते हैं, आप बहुत ही एनर्जेटिक है, एंथुजियास्टिक है, और कोई कुछ ऐसी बात करता है कि आपका जो सारा जोश है वो ठंडा पड़ जाता है, तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे? वहाँ आप कह सकते हैं कि डोंट पोर कोल्ड वाटर ऑन माई एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म मतलब जो आपकी एनर्जी है, जो आप एंथुजियास्टिक है, तो वो ठंडा मत करो, यानी कि डोंट पोर कोल्ड वाटर। तुम मेरा जोश ठंडा कर रहे हो, यू आर पोरिंग कोल्ड वाटर ऑन माई एंथुजियाज्म। जो भी आप कर रहे हैं काम, उस पर अगर कोई यूं समझिए कि ठंडा पानी डाल दिया, तो इस सेंस में इस्तेमाल करते। तो हिंदी का जोश ठंडा करना अंग्रेजी का हो गया पोर कोल्ड वाटर। तो आप अपने हिसाब से सेंटेंसेस बना सकते हैं कि ही वॉज ट्राइंग टू पोर कोल्ड वाटर ऑन माई आइडियाज़। ऐसे भी हो सकता है कि मेरे जो आइडियाज़ थे एकदम एनर्जेटिक आइडियाज़ थे, मैं कुछ करने वाला था, मेरा कोई प्लान था, उस पर भैया ठंडा पानी फेर दिया, यूं कह लीजिए जोश ठंडा कर दिया। अब देखिए ये हो गया। तीसरा है आपका कि मैं आकाश पाताल एक कर दूंगा। कई बार हम ऐसे कहते हैं कि तू चिंता मत कर यार, आकाश पाताल एक करके ढूंढ लूंगा उसे। तो आकाश पाताल एक कर दूंगा, इसे हम कैसे बोलेंगे? तो अंग्रेज ऐसे बोलेंगे, ये तो टेंस हो गया कर दूंगा, तो आई विल मूव हेवन एंड अर्थ। आई विल मूव हेवन एंड अर्थ, यानी कि मैं आकाश पाताल एक कर दूंगा। He is trying to move heaven and earth. वो आकाश पाताल एक करने की कोशिश कर रहा है। To get a job, एक नौकरी पाने के लिए, कुछ भी आगे आप सेंटेंस जोड़ सकते हैं। तो आकाश पाताल एक करने का मतलब है move heaven and earth। जैसा टेंस होगा वैसा आपको ट्रांसलेट करना होगा, चाहे वो फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, इस तरीके से। एक और देखते हैं, नंबर 4th में है कि मेरा सिर मत खाओ। कई बार कहते हैं यार मेरा दिमाग मत खाओ, मेरा सिर मत खाओ, ऐसे हम कहते हैं। उसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि डोंट वैक्स मी, डोंट वैक्स मी। ये VEX है, वैक्स। वैक्स का मतलब होता है परेशान करना, तंग करना। तो सिर खाना, दिमाग खाना, इट डजेंट मीन कि ऐसे बोलो कि डोंट ईट माई माइंड, ऐसा नहीं हो सकता है। यानी कि वैक्स करना, कोई इरिटेट कर रहा है आपको, फ्रस्ट्रेटेड बना रहा है, तो वहां पर आप वैक्स का इस्तेमाल करते। तो अगर हिंदी में ये फीलिंग आए कि यार मेरा दिमाग मत खा, मेरा सिर मत खा, तो अंग्रेज इस सिचुएशन को कैसे बोलेंगे? तो ऐसे बोलेंगे कि डोंट वैक्स मी। कई लोग बिल्कुल ट्रांसलेट करते हैं, तो जरूरी नहीं कि हर चीज आप वैसे ही ट्रांसलेट करोगे कि मेरा सिर मत खा, तो डोंट ईट माय ब्रेन और माइंड, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। तो फीलिंग को समझिए, सिचुएशनल इंग्लिश है। एक और है, 5वां है, भर पेट खाओ। किसी को बोलना है भैया पेट भर के खा ले, तो पेट भर के खा ले या भर पेट खा ले, इसको हम कैसे बोलेंगे? इसे बोलेंगे ईट योर फिल, ईट योर फिल। मैं पेट भरकर खा रहा हूं, या मैं भर पेट खा रहा हूं, आई एम ईटिंग माई फिल। ये जो आप योर है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ आप कह सकते हो माई फिल, वह पेट भर के खा रहा है, ही इज ईटिंग हिज फिल, हर फिल, आपको यहाँ पर ऐसे दिखाना पड़ेगा। ओके, तुम्हें पेट भरकर खाना चाहिए, यू शुड ईट योर फिल, आप ऐसे इस्तेमाल करेंगे।
तो फिर से मैं दोहरा दूं दोस्तों, आप इसे बार बार सुनिए और प्रैक्टिस कीजिए कि मेरे कान मत भरो, डोंट पॉइजन माई ईयर्स, मैं तुम्हारे कान नहीं भर रहा हूँ, आई एम नॉट पॉइजनिंग योर ईयर्स, मेरा जोश ठंडा मत करो यार, डोंट पोर कोल्ड वाटर ऑन माई एंथुसियाज्म। अगला है, मैं आकाश पाताल एक कर दूंगा, आई विल मूव हेवन एंड अर्थ। नेक्स्ट, मेरा सिर मत खाओ, डोंट वैक्स मी, भर पेट खाओ, ईट योर फिल। तो इसी तरीके के कुछ सेंटेंसेस मैं लाता रहूंगा जो डेली यूज में काम आते हैं दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस।